हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पॉलिटिकल साइंस का ऑल कंटेंट अवेलेबल होंगे, चाहे वो नोट्स हो या फिर किसी बुक का हो, बाहर के रेफरेंस बुक से सभी मेरे पास अवेलेबल रहेंगे। इसलिए आपको मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मेरा वीडियो आपके पास टाइम पर पहुँच जाए। स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल का एक नारा है, नया लक्ष्य नया बिहार, अब की बार बेरोजगारी पर। मीन्स बेरोजगारी का मतलब समझ चुके होंगे कि मुझे इस बार नौकरी लेकर आना है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, किसी न किसी डिपार्टमेंट में इस बार हम लोग लेकर आएंगे। और बात होगी जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टाइम से आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, क्लास को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। तो यदि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों को मोटिवेट करते रहूँगा। आइए, आज क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं। आवाज़ ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, यानी ध्यान रखिएगा, अगर हमारी आवाज़ ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो सब लोग सुनेंगे। यानी हमें करना क्या है कि बात हमारी ऊंची हो, आवाज़ ऊंची ना हो। आइए, आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता एक चुनौती, जो कि क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक से है। स्टूडेंट, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पॉइंट ऑफ नोट्स के व्यू से है, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वो सिर्फ नोट्स का काम देगा। ऐसा नहीं है कि वो मैंने बुक को पूरा कवर कर लिया है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ नोट्स में किया है। तो आइए पढ़ते हैं हम निर्धनता एक चुनौती। इस चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती, जो कि क्लास 9 का है और एक सिर्फ पॉइंट ऑफ नोट्स से है, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निर्धनता, यानी निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको इंग्लिश में एमएसएसओ के नाम से जानते हैं, करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि निर्धनता रेखा का आकलन करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो बताइएगा। अगर इंग्लिश में बताना चाहते होंगे तो बताइएगा एमएसएसओ, और अगर हिंदी में बताना चाहते होंगे तो बताइएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 24,000 और नगरीय क्षेत्र में 21,000 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हो। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को, अगर गांव का व्यक्ति होगा उसको 24,000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ये एनर्जी एक है, इतना एनर्जी की उसकी आवश्यकता होगी। और वही अगर शहर की बात करते हैं तो शहर में 2100 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है मनरेगा। मनरेगा का कार्य क्या है, तो देखिए मनरेगा का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। यानी अगर कोई पूछे कि मनरेगा का फुल फॉर्म बताइए, तो बताइएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। अब ये बात आती है कि ये लागू कब हुआ था, तो बेसिकली 2005 में ये लागू हुआ था। यानी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, यानी जो भी ये मनरेगा है हमारा 2005 में कर सकते हैं लागू हुआ। इसके अंतर्गत लोगों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात क्या कही गई है, तो मनरेगा एक सरकार का चलाया हुआ पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना जरूरी रहता है। अगर एक और पॉइंट आपको बताते हैं, अगर सरकार इसमें नाकाम हो जाती है, मीन्स कहने का है कि अगर सरकार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती, तो सरकार ये करेगी कि उसको 100 दिन का पैसा जोड़ कर दे, ताकि उसका क्या हो, भरण पोषण चल सके, यानी आगे की कार्रवाई वो कर सके। अगर इसमें मतलब नहीं दे पाती है, तब बात यहाँ पे हुआ है कि कम से कम 100 दिन का उसको या तो रोजगार दे, या फिर अगर रोजगार नहीं दे पाती है तो उसको 100 दिन का भत्ता दे। अगला वाला पॉइंट है ग्रामीण रोजगार। देखिए ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ 1995 में हुआ था, यानी इसका जो आरंभ हुआ था वो 1995 में ही हुआ था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है, या फिर कह सकते हैं करता है। अब देखिए ये क्या है, अब ग्रामीण जो रोजगार योजना है इसमें लोगों को क्या करता है कि रोजगार प्रदान करता है, यानी जितने भी युवा होंगे या फिर कह सकते हैं काम करने वाले लोग होंगे उनको स्वरोजगार देता है, यानी कि उनको रोजगार उपलब्ध कराता है और उनसे कहता है कि नहीं आप काम करिए, हम पैसा देंगे। सबसे मेन बात इसमें अभी तक में ये मुझे पता चला है कि यहाँ पे है कि भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और नगरीय क्षेत्र में 2100, इसको याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से है। दूसरा यहाँ पे ये कभी कभी कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा जाता है मनरेगा का। मनरेगा का ऐसा बताते हैं फुल फॉर्म पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि मनरेगा लागू कब हुआ था, तो फुल फॉर्म ये बता सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम, और उसका अगर कोई ये पूछता है कि लागू कब हुआ था, तो बताइएगा 2005 में।
कार्य क्या करता है, तो कम से कम उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। अगर सरकार इसमें सक्सेसफुल ना हो तो उसके लिए वो फिर से सरकार से क्या करता है, फीडबैक लेकर में इसके पैसा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ 1973 में हुआ। देखिए अगर ये आपसे कोई पूछता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था, तो बताइएगा 1973 में हुआ था। अब देखिए इसका काम क्या था, तो इसके अंतर्गत ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना था। यानी स्टूडेंट, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना था उसमें जितने भी एजुकेटेड लड़के होंगे या फिर लड़कियां होंगी, मतलब मींस कह सकते हैं कि पर्सन होंगे, जो एजुकेटेड पर्सन हो या जो शिक्षित हो, तो उनके लिए क्या करेंगे कि वो लोग रोजगार प्रोवाइड करेंगे या फिर रोजगार के अवसर। ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में हुआ था। देखिए इसका आरंभ कब हुआ था, 1999 में हुआ था। देखिए इसके अंतर्गत काम क्या है, तो इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को, यानी जो गरीब परिवार रहेगा उसका स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण सहायता योजना द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। यानी यहाँ पे स्टूडेंट देखिए बात ये कही गई है कि जो इसमें होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में, इसके तहत कह सकते हैं कि जो जीविका होती है ना, या फिर जो बैंक यानी समूह में लोन लिया जाता है, वही इसमें चलाया गया, जिससे कि जो गरीब परिवार है वो ऊपर उठ सके। बात यहाँ पे आती है कि आखिर उनको लोन लेने में दिक्कत क्यों पड़ रही थी, आखिर ऐसा क्यों अपनाया गया, तो देखिए बैंक को कुछ सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी की अगर बात आती है कि सर ने सिक्योरिटी क्या कर दिया, तो जैसे लोन जो दिया जाता है ना किसी एक ऑब्जेक्ट पे लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास खेत है, तो वो खेत का कागज जमा करके, मतलब कह सकते हैं पेपर जमा करके उस पर लोन ले लेता है। कुछ लोग गाड़ी पे लोन ले लेते हैं, कुछ लोग घर पे लोन ले लेते हैं, सभी का पर्पस अलग अलग होता है, मतलब लोन लेने के लिए। लेकिन मान लीजिए जो निर्धन है, जो गरीब है, गरीबों में गरीब है, वो आखिर ले कैसे सकता है, तो वो ले सकता है इस योजना के तहत। अब इसमें काम क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे गाँव की 10 औरतें उसी में है, ठीक है, तो 10 में से किसी एक को लोन लेना है, तो वो तो लोन ले ली, अब उसका भरपाई कैसे होगा, तो वो जो आएगा बैंक का कह सकते हैं मैनेजर या फिर जो घूमते रहते हैं वो लोग आएंगे, उन जो 9 औरतें हैं उनसे बोलेंगे कि या तो उसका लोन जमा करवाइए, नहीं तो आप लोग मिलकर दीजिए। इसी के कारण ये लोन का भरपाई हो जाता है, मतलब कि पूरा कर देते हैं। इसके लिए इन लोगों को यहाँ पे कह सकते हैं कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जो चला हमारे लिए लाभ हुआ, जितने भी गरीब भाई थे बहन थे उनको लाभ हुआ, और इसका आरंभ हुआ था 1999 में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।